देखिए, मंथली इनकम स्कीम जो है वो आपको मदद करेगा, जो आपके घर के खर्चे हैं यानी कि जो भी मंथली एक्सपेंसेस हैं आप उनको कवर कर सकते हो। तो पोस्ट ऑफिस में एक मंथली इनकम स्कीम होता है जिसका कैलकुलेशन हम देखने वाले हैं कि अगर आप 50,000 रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक जमा करते हो एज डिपॉजिट अमाउंट पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम में, तो आपको हर महीने के हिसाब से कितना मंथली इनकम मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो तो SWP यानी कि सिस्टमेटिक ड्रॉवल प्लान के जरिए भी हर महीने जो भी आपका म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स है उनमें से थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ यूनिट्स आप रिडीम कर सकते हो हर महीने के हिसाब से, जो कि आपको मदद करेगा मंथली एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। तो हम कैलकुलेशंस के जरिए देखेंगे कि आप लगभग 9,000 रुपए तक का जो मंथली इनकम है उसको पा सकते हो आपके डिपॉजिट पे। इसके अलावा आप इस मंथली इनकम को बढ़ा भी सकते हो आपके डिपॉजिट के हिसाब से। तो कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ने से पहले हम पोस्ट ऑफिस का जो मंथली इनकम स्कीम है उसके थोड़े से फीचर्स चेक कर लेते हैं। तो ये जो पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम है इसका 5 साल का टेन्योर होता है और इसमें आपको मिनिमम 1,000 रुपए का अमाउंट जमा करना होता है और मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 9 लाख रुपए है अगर आप इस अकाउंट को एज अ सिंगल होल्डर ओपन करते हो। और अगर आप ज्वाइंट होल्डर के साथ ओपन करते हो MIS की स्कीम को तो आपको 15 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लिमिट मिलेगा एज डिपॉजिट अमाउंट। अब दोस्तों, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट की तरफ से हर क्वार्टर के बाद रिव्यू किया जाता है। जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो 7.4% के हिसाब से मिलने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने कैलकुलेशंस की तरफ, देखते हैं कि जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करोगे मंथली इनकम स्कीम में उसके हिसाब से आपको कितना मंथली इनकम मिलते जाएगा हर महीने के हिसाब से। तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में आपको कितने डिपॉजिट पे कितना मंथली इनकम मिल सकता है वो हम जानेंगे हमारी जो वेबसाइट है उस पे कैलकुलेटर को यूज करके। जो MIS का करंट इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा है 7.4%, जो कि हर क्वार्टर के बाद गवर्नमेंट की तरफ से रिव्यू किया जाता है। तो दोस्तों, हम 50,000 रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक देखने वाले हैं कि अगर आपने इतना अमाउंट डिपॉजिट किया तो मंथली इनकम कितनी मिलेगी। 15 लाख रुपए का जो मैक्सिमम लिमिट है वो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स के लिए है और अगर आप सिंगल होल्डर के साथ अकाउंट ओपन करते हो तो 9 लाख रुपीज का मैक्सिमम लिमिट है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकेएलसी ब्लॉग। सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा finkelsey-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे पोस्ट ऑफिस MIS कैलकुलेटर यूज करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक न्यू विंडो में हमारा पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी कि MIS कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से जान सकते हो कि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पे आपको इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, जो कि 7.4% का चल रहा है, अगले 5 साल तक कितना मंथली इनकम मिल सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम्पल में हम 50,000 रुपीज का अमाउंट कंसिडर करेंगे। जो मिनिमम अमाउंट है वो आपको 1,000 रुपीज एटलीस्ट जमा करना होगा मंथली इनकम पाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हम 50,000 रुपीज एज इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेंशन करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 308 रुपीज का आपका मंथली इनकम होता है 7.4% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। अब फ्यूचर में जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर या फिर नीचे जा सकता है, तो उस हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा। वैसे तो हर क्वार्टर के बाद मैं यहाँ पे जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है उसको अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो 308 रुपीज का मंथली इनकम है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इसी तरीके से 1 लाख रुपए के अमाउंट पे आपको कितना मंथली इनकम मिलेगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो 617 रुपीज का हमें मंथली इनकम मिलेगा 1 लाख रुपए के डिपॉजिट पे। अब इसके अलावा 2 लाख रुपीज पे कितना हमें मंथली इनकम मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो 1,233 रुपीज, जो कि हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। और फिर इसी तरीके से 3 लाख के इन्वेस्टमेंट पे हमें 1,850 रुपीज का टोटल मंथली इनकम मिलेगा हर महीने अगले 5 साल तक के लिए। अब दोस्तों, इसी तरीके से ये जो बाकी के अमाउंट्स है उनके लिए भी हम मंथली इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बाकी के अमाउंट्स है उनके लिए भी हमने यहाँ पे मंथली इनकम कैलकुलेट कर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे 10 लाख रुपए का अगर आप डिपॉजिट करते हो MIS की स्कीम में पोस्ट ऑफिस में, तो आपको लगभग 6,167 रुपीज का मंथली इनकम मिलेगा अगले 5 साल तक के लिए। इसके अलावा अगर आपका मैक्सिमम लिमिट जो कि 15 लाख रुपए होता है ज्वाइंट अकाउंट
होल्डर्स के लिए, तो उसमें आपको 9,250 रुपीज हर महीने एज अ मंथली इनकम मिलेगा। तो इस तरीके से आपकी टोटल इनकम कितनी हो जाती है उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो मंथली इनकम है ये एक महीने में मिल रहा है, यानी कि पूरे साल में कितना अमाउंट होगा, तो इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। तो ये पूरा एक साल का आपका इनकम हो गया, और पूरे 5 साल के लिए हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा 5 के साथ, क्योंकि 5 ईयर्स तक आपका जो पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम है उसका 10 ईयर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम जैसे ही मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो 18,480 रुपीज का आपका टोटल इनकम होता है पूरे 5 साल में। और 5 साल के बाद आपने जो डिपॉजिट किया है 50,000 रुपए वो आपको वापस मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये जो भी मंथली इनकम है वो एज अ इंटरेस्ट इनकम आपको मिलती है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो ब्याज है इस पर्टिकुलर अमाउंट पे आपको वो मिलता है हर महीने के हिसाब से। तो जितना ज्यादा आप डिपॉजिट करोगे उतना ज्यादा आपको ब्याज का अमाउंट मिलेगा इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो ये जो बाकी के मंथली इनकम्स है उनके लिए भी ये जो टोटल इनकम है उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 15 लाख के डिपॉजिट पे आपको लगभग 5,55,000 रुपीज का टोटल इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि हर महीने आपको इतना अमाउंट मिलते जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से मंथली इंटरेस्ट स्कीम को आप यूज कर सकते हो किसी भी पोस्ट ऑफिस में, ताकि आपके जो हर महीने के एक्सपेंसेस हैं आप उसको कवर कर सको। अब ये तो बात रही पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम की, इसके अलावा अगर म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश करते हो और अच्छा खासा अमाउंट आपने डिपॉजिट करके रखा हुआ है SIP के जरिए या फिर लमसम के जरिए, समझो 15 लाख रुपए का अमाउंट आपका जमा हो गया है म्यूचुअल फंड्स में, तो आप म्यूचुअल फंड से भी मंथली इनकम स्कीम के तौर पे म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को बेच सकते हो, ताकि हर महीने आपको इनकम मिल सके। तो दोस्तों उसका कैलकुलेशन हम SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान के जरिए करते हैं। तो वापस से आपको यहाँ पे कैलकुलेटर्स के पेज पे आना है, जो कि मेरी वेबसाइट पे है, और फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने SWP कैलकुलेटर, जैसे कि आप देख सकते हो, वो बनाया है आपके लिए। तो इस कैलकुलेटर पे मैं क्लिक करता हूँ, एक न्यू विंडो में हमारा SWP कैलकुलेटर विद इन्फ्लेशन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया है कि आप इन्फ्लेशन का रेट को भी मेंशन कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 लाख रुपए का अगर समझो आपका डिपॉजिट अमाउंट है, तो उस चीज को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। 15 लाख रुपीज का आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया, और हम ये सेम चीज को चेक करने वाले हैं कि अगर आप मंथली इनकम पाना चाहते हो जो कि है 9,250 रुपीज की, तो आपका विड्रॉवल अमाउंट में हम 9,250 रुपीज यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है हम इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में ये माना गया है कि लंबे समय के लिए, जैसे कि 10 या फिर 15 साल के लिए, ऑलमोस्ट 12 से लेकर 15% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो। अगर आप लार्ज कैप कंपनीज यानी कि निफ्टी या फिर सेंसेक्स में निवेश करते हो, तो पिछले 15 साल में आपको 12% का रिटर्न मिला हुआ है। और अगर आप मिड कैप या फिर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो, तो आपको उससे ज्यादा का रिटर्न्स मिला हुआ है। अब मात्र 2,000 रुपए का अगर आप SIP करते हो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में, तो आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 7.4% का ही इंटरेस्ट रेट जो है हमने MIS में देखा है उसको सेट करते हैं हमारे SWP कैलकुलेटर में। तो इन्फ्लेशन जो है वो 4% का है, तो हमें यहाँ पे 11.4% का एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो मेंशन करना होगा। इसके हिसाब से हमारा 7.4% का इंटरेस्ट रेट जो है वो सेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप 5 साल के लिए भी आपका जो विड्रॉवल अमाउंट होता है, जो कि मंथली इनकम के तौर पे आप विड्रॉ करोगे, अगर आप उसको कंटिन्यूअसली 5 साल के लिए विड्रॉ करते हो, जैसे कि आप देख सकते हो टोटल विड्रॉवल आपका हो गया 5,55,000 रुपीज, जो कि यहाँ पे हमने एक्सेल में भी चेक किया है, 5,55,000 रुपीज का आपका टोटल इनकम होता है इंटरेस्ट के नाम पे। इसके अलावा जो रिमेनिंग अमाउंट है, यानी कि ये विड्रॉवल करने के बाद जो अमाउंट आपका बचता है 5 साल के बाद, वो 15 लाख रुपए है। तो हमने इस सिनेरियो को यहाँ पे चेक कर लिया कि इतना अमाउंट मंथली इनकम पाने के बाद भी आपको 15 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे, और जो भी आपका टोटल इनकम होता है 5 साल में वो इतना अमाउंट है। तो दोस्तों SWP के तौर पे भी आप विड्रॉ कर सकते हो हर महीने के हिसाब से। तो म्यूचुअल फंड्स में जो मंथली इनकम स्कीम है उसे हम सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान के जरिए हर महीने हमारे मंथली एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे माना जाता है कि अगर आपको 12% या फिर उससे ज्यादा का रिटर्न्स मिल रहा है, और समझो अगर आपने 9,250 के जगह 9,000 रुपीज को विड्रॉ किया, तो जैसे कि आप देख सकते हो क्योंकि
आप कम अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हो तो आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो इस पर्टिकुलर रिटर्न्स के वजह से और ज्यादा हो रहा है, तो आपको एंड में 15,73,477 रुपीस का अमाउंट बचता है जो कि आप विड्रॉ कर सकते हो या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में भी रख सकते हो आगे आने वाले ईयर्स के लिए, ताकि आपको और अच्छा खासा रिटर्न मिल सके और ये अमाउंट ऊपर जा सके। अब दोस्तों जितना विड्रॉवल अमाउंट आप कम रखोगे उतना ही ज्यादा आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बढ़ते जाएगा, और उसी के ऑपोजिट अगर आप विड्रॉवल अमाउंट को बढ़ाते हो, समझो 10,000 रुपए करते हो, तो आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो और कम होते जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 11.4% का एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को सेट करें, जैसे कि आप देख सकते हो 14,45,746 रुपीज का आपका रिमेनिंग अमाउंट रह जाता है। अगर आप 15,000 रुपए का अमाउंट विड्रॉ करते हो तो लगभग 10,84,051 रुपीज का रिमेनिंग अमाउंट रह जाता है। तो दोस्तों अगर आपको और अच्छे से समझना है कि SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान का कैलकुलेटर कैसे काम करता है अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है SWP फॉर मंथली इनकम, तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पे बाकी के कैलकुलेटर्स भी यूज कर सकते हो मेरी इस वेबसाइट पे जो कि मैंने आपके लिए बनाए हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इस तरीके से मंथली इनकम स्कीम काम करती है, या तो आप पोस्ट ऑफिस में जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे उसके हिसाब से आपको मंथली इनकम मिलते जाएगा, या फिर आप SIP के जरिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश कीजिए और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब आपके पास अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है तो उस अमाउंट में से आप हर महीने जो है सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान यानी कि SWP की मदद से जो म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स है उनको बेच सकते हो आपके जो मंथली एक्सपेंसेस है उनको कवर करने के लिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेसी TV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।